तो चलिए रुक करते हैं अब एक और बड़ी खबर की तरफ, इंदौर से, जहां कांग्रेस ने निकाली जन जागरण यात्रा। बड़ी खबर, टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में ये यात्रा निकाली गई है। नगर निगम ने की है टैक्स में बढ़ोतरी। संजय शुक्ला के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने निकाली जन जागरण यात्रा। तो चलिए इस पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सचिन शर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, यहाँ जन जागरण यात्रा निकाली गई है, टैक्स बढ़ाने के विरोध में ये यात्रा निकाली गई है। निश्चित रूप से देखिए, लगातार दो दिनों से इंदौर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो जिस तरह से नगर निगम ने जो कचरा शुल्क बढ़ाया है, सफाई शुल्क बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं एक बड़े शुल्क बढ़ाकर आम जनता के सामने पेश किया है, जिसमें कचरा शुल्क 200 रुपए मांगा जाता था, उसको बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। वहीं अन्य शुल्क, जलकर और संपत्ति का टैक्स, ये कई बढ़ा दिए गए, तो डबल कर दिए गए, जिसके बाद चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, इनका विरोध लगातार सामने आ रहा है, जिसके तहत आज विधायक संजय शुक्ला के नेतृत्व में बड़े गणपति चौराहे से एक जन जागरण यात्रा निकाली गई और जो टैक्स का जो बढ़ाए गए हैं, इसका विरोध किया। हालांकि बता दें, इसके पहले भी गोपी कृष्ण नेमा, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है, महापौर मालिनी गौड़, इनके द्वारा भी सीएम शिवराज को पत्र लिखा गया था। उसमें मांग की गई थी कि ये जो टैक्स जनता के ऊपर थोपा गया है, इसे कम किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में हर आम आदमी की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। इसके बाद टैक्स बढ़ने के बाद एक बार और आम जनता की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे। तो आपको बता दें, टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली है। संजय शुक्ला के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है और नगर निगम ने ही टैक्स में बढ़ोतरी की है।